meant for this. Now sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, do you see that you're wrong in this? I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it but... तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि 6213 से आईसी बोर्ड से स्पीकर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक 20 वाट का स्पीकर चाहिए होगा और उसी के साथ साथ आपको एक 6283 का आईसी बोर्ड चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने सभी कनेक्शन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये रेड और ब्लैक कलर का वायर जो है वो आपका इनपुट है और येलो कलर का जो वायर है वो आपके स्पीकर के साथ लगेगा। और यहाँ पर मैंने 3.5 mm जैक कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों सबसे लेफ्ट वाला जो वायर है कॉपर वाला वो ग्राउंड वायर है और वो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो दोस्तों चलिए हम स्पीकर के वायर को स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद मैंने 3 लिथियम आयन बैटरी लिए हैं, इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिथियम आयन बैटरीज को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इन बैटरीज को हमारे एम्पलीफायर के साथ जॉइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जॉइन करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो बैटरी है वो कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। उससे पहले दोस्तों मैंने एक स्विच लिया है ताकि हम ऑन ऑफ करने में आसानी हो। स्विच को कनेक्ट करने के बाद हमारा एकदम सर्किट एकदम बन के तैयार है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों स्पीकर की बॉडी बनाने के लिए मैंने एक पीवीसी पाइप यूज़ किया है। दोस्तों यह पीवीसी पाइप मैंने अपने स्पीकर के अनुसार लिया है, आप भी अपने स्पीकर के अनुसार लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने पीवीसी पाइप को एक छोटे पीस में काट दिया है। दोस्तों ये सब काम आप किसी बड़े से करवाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने बड़े भाई का मदद लिया है, आप भी इस सब चीज़ों को किसी बड़े की मदद से कीजिएगा। पीवीसी पाइप को दोस्तों मैंने यहाँ पर सैंड पेपर से अच्छी तरह से ग्राइंड करके एजेस को स्मूथ कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने स्पीकर को रख के टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम एजेस को मोड़ देंगे और वहाँ पर निशान लगाएंगे और उन्हीं निशान में हम ड्रिल करके एक होल करेंगे। दोस्तों ये सब काम भी किसी बड़े से करवाइएगा, ये सब काम में बहुत खतरा रहता है। दोस्तों उसके बाद मैंने एक प्लेन पीवीसी पाइप लिया है।
दोस्तों ये पीवीसी पाइप को मैंने गर्म करके एक शीट में बदल दिया है और इसको हम एक राउंड गोलाकार में काट के हमारे स्पीकर का जो बॉडी है उसका बेस बनाएंगे। दोस्तों मैंने निशान लगा दिया है, निशान लगाने के बाद हम उसको काट देंगे। तो दोस्तों मेरा ये जो बॉडी है अच्छा लगे इसलिए मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर लगाया है। दोस्तों देख सकते हैं सिल्वर कलर लगाने के बाद इसमें फिनिशिंग आ गई है। तो दोस्तों मैंने सभी चीज़ें सेटअप कर लिया है। सेटअप करने के बाद अब हम इसे प्ले करते हैं। Sometimes I'm trying to